स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम बात करने वाले हैं सेवंथ पे कमीशन और डीए हाइक के बारे में। कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार ने बढ़ा दिया है 4% का डीए। जानेंगे पूरी जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। दीपावली का त्यौहार भारत में सबसे बड़े उत्सव में से एक है। यह न केवल खुशियों और रोशनी का त्यौहार है बल्कि कई लोगों के लिए आर्थिक लाभ का भी समय होता है। इस वर्ष दीपावली के आसपास सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और संभावित लाभ सामने आए हैं। आइए इन घोषणाओं और उनके प्रभाव पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ सामने आ रहे हैं, जिसमें से मुख्य हैं अग्रिम वेतन और पेंशन। दीपावली के मद्देनज़र राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 28 अक्टूबर को ही वेतन और पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। सामान्यतः कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को 9 तारीख को पेंशन मिलती है। यह कदम त्यौहार के समय लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दूसरे नंबर पर है महंगाई भत्ते में वृद्धि। मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2023 से 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता डीए देने की घोषणा की है। यह वृद्धि राज्य के लगभग 1,80,000 कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इस डीए वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब में जाएगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। आगे बात कर लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संभावित लाभ क्या है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी भी इस दीपावली में कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारी जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वेतनमान में उनका डीए 42% है। दीपावली से पहले घोषणा की संभावना सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार दीपावली से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह कदम त्यौहार के समय कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी। सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार महंगाई भत्ता वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है, जिसमें से जनवरी और जुलाई में किया जाता है। महंगाई भत्ते का क्या महत्व है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। महंगाई भत्ता यानी कि डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। डीए में वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की आय पर पड़ता है, जो उनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। दीपावली का आर्थिक महत्व क्या है, इसमें जो दीपावली है वो खरीदारी का मौसम होता है। दीपावली के आसपास लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं, जिससे बाजार में तेजी आती है। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। त्यौहार के समय में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जैसे खुदरा व्यापार, सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन। और इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी सामने आते हैं। अस्थायी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या सुझाव है, आइए जानते हैं। दीपावली के समय अतिरिक्त आय या बोनस मिलने की संभावना के मद्देनजर कर्मचारियों के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहला तो है कि बजट बनाएं। अतिरिक्त आय का सही उपयोग करने के लिए एक आप बजट बना लें। बजट पर ध्यान दें। तैयारी खर्चों के साथ साथ भविष्य के लिए भी बचत करना महत्वपूर्ण है। इसमें जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों से बचें, और सिर्फ जरूरी खर्चों को ही आप प्राथमिकता दें। निवेश के अवसरों पर विचार करें। अतिरिक्त आय का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रख सकते हैं। दीपावली 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणाएं और केंद्र सरकार से अपेक्षित लाभ कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आ सकती है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त आय का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। त्यौहार का आनंद लेने के साथ साथ भविष्य के लिए भी योजना बनाना और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल कर्मचारियों के कल्याण के लिए हैं बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। दीपावली का त्यौहार इस वर्ष कई लोगों के लिए वास्तव में खुशी और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।